नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, AGTA को लेकर बहुत ही संशय बना हुआ है और बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि सर क्या गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी पहले आएगी और AGTA की वैकेंसी बाद में आएगी। इस पे आज मैं चर्चा करूंगा। बहुत लोग जो है चर्चा किए भी हैं इस पे, ठीक है। बहुत लोग चर्चा कर चुके हैं और आप बहुत सारे वीडियो देख भी चुके होंगे, ठीक है। आज मैं आपको जो समझाने की कोशिश करूंगा वो दोस्तों ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये मार्च से शुरू होंगी 7000 पदों पर भर्तियां। ऐसा ही एक और अखबार में कटिंग निकली थी एक साल पहले, UP SSC वालों ने निकाली थी। इसने UP SSC वालों ने निकाली थी, सेम ऐसे ही। और जहां जहां पे जगह है वहां पर थोड़ी बहुत जगह जो है कम दिखाई गई थी। अब इन्होंने क्या किया है कि उसी प्रोफार्मा को रख करके बस पदों की संख्या कम ज्यादा कर दी है, जो इसके पहले पिछले साल ऐसे ही आया था उसमें भी कृषि की जो वैकेंसी है इनका जो है इनकी चर्चा नहीं की गई थी, और उसमें जो है गन्ना पर्यवेक्षक की चर्चा की गई थी। कृषि की वैकेंसियों की चर्चा नहीं की गई थी। इन्होंने सीधे सीधे उसको उठाया है और वैकेंसियों में जो है सुधार किया है। बाकी जो दिखाना था, जो पहले बन चुका है, उसी को जो है इन्होंने छाप दिया है पूरा सेम, ठीक है। PET ये 2022 इसको अलग कर दिया है। मैं आपको बता दूं 900 पद, ये करीब 900 पदों पर, ठीक है। जो वो एक पेपर में निकाला गया था उस बार, जो पिछले साल, उसमें भी जो है गन्ना पर और 1400 जो है पंचायत अधिकारी का जो है जिक्र किया गया था। तो इसमें और भी लिखा है, देखो क्या लिखा है, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पे जो है आगे मैं बता रहा हूं, कनिष्ठ सहायक के करीब 5000 पदों पर कार्य करेगा, इनमें सिंचाई विभाग इतने, ठीक है। इसके अलावा अन्य विभागों के पद हैं, ठीक है। ये यहां पे देखिए, इसके अलावा अन्य विभागों के पद हैं, मतलब यहां पर आपको AGTA के जो है 3446 पद आपको देखने को मिलेंगे। जरूर मिलेंगे, ये आप निश्चिंत मान के चलिए। यहां पे जो 900 पद हैं, यहां पर 951 पद, ठीक है। यहां पर 951 पद जो है आपको देखने को मिलेंगे 900 पदों की जगह पर। बाकी बहुत सारी वैकेंसी और भी राजस्व परिषद के 1000 लगभग पद आएंगे, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, ठीक। लेकिन जो आप लोगों को संशय बना है कि AGTA की वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, तो मित्रों मैं बता दूं, इसके पहले भी एक नोटिस निकाली गई थी ऐसे ही, ठीक है। उसमें भी जो है इन्होंने AGTA वालों को गैप कर दिया गया था, ठीक वही छाप दिया है, भर्तियों को बस उधर दिखा दिया है, और यही लाइन तब पर भी थी, अन्य विभागों के पद खाली हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर चलिए, ये जो 951 पद गन्ना के हैं, ठीक है, जो गन्ना के हैं 951 पद, ये बाद में आएंगे, ठीक है, बाद में आएंगे, ठीक, ध्यान रखना। इसके पहले जो है आपको AGTA के आपको 3446 पद आपको देखने को मिलेंगे। 3446 पदों पर भर्ती जो है आपको मिलेगी। बस आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए, जिससे आने वाले समय में आप तैयारी अच्छी कर सके और आपको सिलेक्शन मिले। तो परेशान ना हो, मैं आपको बता दूं, हर हालत में जो न्यूज निकल के आ रही है सामने, हर हालत में कहा जा रहा है कि मार्च में जो है आपकी वैकेंसी आ जाएंगी, ठीक है। मार्च में आपकी वैकेंसीज ओपन हो जाएंगी, ऑनलाइन आवेदन आप लोग जो है चालू कर देंगे, और ठीक है, और जून में आपका जो है पेपर होने की पूरी संभावना है मेरे मित्रों। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आपकी जो है AGTA वैकेंसी पहले आएगी और सिलेबस वही रहेगा जैसा कि मैंने बताया है। इसके बाद आपका जो है गन्ना पर्यवेक्षक के पद आएंगे, उससे आप निश्चिंत रहिए। UP SSC से
यूपी ट्रिपल एससी से जो भी पहली वैकेंसी आएगी वो होगी एजीटीए की 3446। उनसे आप लोग निश्चित रहिए और अपने मन के अंदर से संशय को हटा दीजिए कि इसमें नहीं दिखाया गया है तो नहीं आएगी। भाई दिखाया तो गया है, अन्य विभागों में एग्रीकल्चर आ जाएगा, ठीक है, तो उससे आप निश्चिंत रहिए, वैकेंसी आएंगी, परेशान ना हो। मैं हर एक जो मैं आपको बता दूं चीज, हर एक जो है इंफॉर्मेशन निकाल के आपको सटीक इंफॉर्मेशन दूंगा। आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर लिख के भेजिए वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और वीडियो, इसके अलावा सारी वीडियो भी अपलोड हो रही हैं और दो दिन के बाद मैं सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगा, सारी सीक्वेंस, आपका सारा सीक्वेंस मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।